आ रहा है स्क्रीन? ओके, तो आज का जो चैप्टर है 10.4 CR66 का सिलेबस के हिसाब से एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस, ये रहा सिलेबस। ये तुम जो 10.4 देख रहे हो ना, ये इसका सिलेबस मुझे नहीं दिखे इसके है, एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस। ओके, लेवल कौन सा है? नहीं। लेवल 1 में है इसका। साउंड आ रहा है? हेलो, साउंड आ रहा है, स्क्रीन नहीं आई ना। स्क्रीन नहीं आ रहा है? नहीं देखो, अभी आ रहा होगा। आ रहा है क्या? ये तो मुझे नहीं दिख रही है, बाकी लोगों को दिख रही है क्या? हाँ, तुम थोड़े, हाँ, मैं कट करके फिर से कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट कर। बाग रश्मि, स्क्रीन आ रहा है? ओके सर, ओके, चलो। तो आज का जो चैप्टर है वो होगा 10.4, ओके, एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के बारे में। हमने चैप्टर 1 खत्म किया, 10.1 मैंने रूल्स एक्ट्स के बारे में बता दिया। चैप्टर 2 CR66 पढ़ लिया। चैप्टर 3 भी, 1, 4, 5 भी खत्म कर लिया। ठीक है, अभी आते हैं हम 10.4 में। 10.4 में एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये और ये चैप्टर तुम्हारा लेवल 1 में है। ये B1 के लिए है, ये B2 के लिए है, ये तुम्हारा लेवल 1 पे है। ओके, ये तुम्हारा लेवल 1 पे है, तो इसको थोड़ा बहुत लाइटली पढ़ेंगे, उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? इस चैप्टर को डेप्थ में सेक्शन 3 वाले ऑपरेशन वाले पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारे को जानना पड़ेगा इंडिया में कितने टाइप का ऑपरेटर्स है। कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, कमर्शियल ऑपरेशंस करने वाला ऑपरेटर्स, तुम डिफरेंट टाइप से बोलते हो, जैसे शेड्यूल ऑपरेटर्स, नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स, वो अप्रूव कैसे होते हैं, ऐसे क्या करते हैं कि उनका अप्रूवल मिलता है, जिसको तुम जनरल लाइंस में क्या बोलते हो, ए लाइंस बोल देते हो, हाँ कि नहीं? तो उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर वो डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा। ये जो पूरा चैप्टर जो है ना, हम ये चैप्टर कहाँ से पढ़ेंगे? K3100 से भी पढ़ सकते हैं, K3300 से भी पढ़ सकते हैं, याद रखना। ठीक है, ये दोनों डॉक्यूमेंट में से किसी में से भी पढ़ सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट में ग्रुप में अटैच कर दूंगा। ज्वाइन हो गए? किसी को स्क्रीन नहीं आ रहा था ना? आ रहा है, आ रहा है अभी। आ रहा है ना? ठीक है, मेरे को लगा उसके लिए ही वेट किया मैंने कि वो ज्वाइन करेंगे बोल के। ठीक है, तो अभी चलते हैं। इंडिया में एयरक्राफ्ट जो है यूज करते हैं वो ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? ऑपरेटर्स के बारे में। हम ज्यादातर दो टाइप का ऑपरेटर के बारे में सुने हैं। किसके बारे में? शेड्यूल्ड ऑपरेटर और एक नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर। नाम तो सुने ही होंगे, सुने हो? तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारा टाइप का ऑपरेटर है, और उसका नाम है शेड्यूल्ड, कम्यूटर ऑपरेटर। क्या
क्या है? शेड्यूल्ड कम्यूटर ऑपरेटर। शेड्यूल ऑपरेटर और शेड्यूल्ड कम्यूटर ऑपरेटर में कोई फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। मान लो हम कैसे समझेंगे ये एक एक ऑपरेटर को, म्यूट कर दो माइक, हम कैसे समझेंगे ये सब एक एक ऑपरेटर को। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, इसमें से दो तीन क्वेश्चन आता रहता है डीजी से एग्जाम में, तो ध्यान से सुनना और बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। हम सबसे पहले जाएंगे एयरक्राफ्ट को लेके आएंगे, किसको लेके आएंगे? एयरक्राफ्ट। जनरली मुझे एक बात बताओ, हम एयरक्राफ्ट को यूज किस लिए करते हैं? ऐसे एयरक्राफ्ट से हम क्या निकालते हैं, एयरक्राफ्ट हमें क्या मदद करते हैं, एयरक्राफ्ट को यूज करने का पर्पज क्या है? ठीक है, कोई बोला बिजनेस, कोई बोला बिजनेस बोला, कोई बोला ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऐसे कुछ और कुछ। किसके थ्रू करते हैं, बाय रोड करते हैं कि बाय एयर करते हैं? मैं भी कुछ बोल दूं, बाय एयर करते हैं, बाय एयर करते हैं, बाय एयर करते हैं ना। तो क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी एयरक्राफ्ट को किस लिए यूज करेगा? शेड्यूल ऑपरेटर के, शेड्यूल ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। जनरली हमारा जो एविएशन इंडस्ट्री है, दैट्स ए सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करेगा, अगर ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस किस काम के लिए प्रोवाइड करना चाहता है, थ्रू एयर, क्या प्रोवाइड करना चाहता है? थ्रू एयर किसको ट्रांसपोर्ट करना चाहता है? नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं। क्या प्रोवाइड कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ध्यान से सुनना, किसके थ्रू? एयर के थ्रू। किसको यूज करके? एयरक्राफ्ट को यूज करके। क्यों दे रहा है? फ्री में देगा क्या? कमर्शियल पर्पज के लिए है ना, या वो प्रॉफिट अर्न कर सके इसलिए ना। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है थ्रू एयर, क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है, किस किस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए? पैसेंजर को, पैसेंजर या कार्गो को, या पैसेंजर कार्गो दोनों को, हाँ कि नहीं? तो ये अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है किसी पैसेंजर को या कार्गो को, किस पर्पज के लिए? कोई बिजनेस या कमर्शियल पर्पज के लिए। और इसका एक शेड्यूल्ड है, क्या है? एक शेड्यूल्ड है। कौन अप्रूव करता है इस शेड्यूल को? डीजीसी अप्रूव करता। तो इस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोलेंगे क्या? शेड्यूल ऑपरेटर बोलते हैं कुछ लोग, कुछ लोग और क्या बोलते हैं? शेड्यूल्ड एयर, शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, ओके। कुछ लोग और क्या बोलते हैं? कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। समझ में आया? ये तीनों कुछ नहीं है, सब एक ही है। शेड्यूल ऑपरेटर बोल दो, या शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर या ऑपरेटर बोल दो, या कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर बोल दो। समझ में आया? समझ में आया क्या? तो इसको शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, सेटो या केटो बोल सकते हो, है ना?
या अच्छा नॉर्मली शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट में आपका कार्गो भी आ जा रहा है ना, कार्गो शेड्यूल एयर भी आ जा रहा है। ट्रांसपोर्ट में वो शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट वो जो अपना एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एक शेड्यूल के हिसाब से चला रहा है, क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करने के लिए या पैसेंजर कार्गो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या पैसेंजर कार्गो ओके दोनों ओके को ठीक मिला के ट्रांसपोर्ट करने के लिए, समझ में आया। है सर। उनका एक शेड्यूल होता है, वो शेड्यूल के अनुसार ही वो काम करते हैं, ठीक है। उनका सेटेन रूट्स होते हैं थ्रू एयर, ओके। तो सर्टेन रूट्स के थ्रू एक अप्रूव्ड प्री अप्रूव्ड शेड्यूल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करना इसका काम है। किसका काम है, शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर या शेड्यूल ऑपरेटर या कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर भी बोलते हो, समझ में आया। अगर हाँ यस इस सर, ये डोमेस्टिक हो सकता है, ये इंटरनेशनल भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है, ठीक है। लगभग सारे रूट्स में इसको अप्रूवल मिल जाती है। मैंने और एक टाइप का बात बोला था, याद है, शेड्यूल्ड कम्यूटर ऑपरेटर, याद है ये वाला। सर तो यहां पे शेड्यूल ऑपरेटर तुम समझ गए, सर डोमेस्टिक में भी इंटरनेशनल में भी बहुत सारा रूट्स में एक शेड्यूल के थ्रू पैसेंजर कार्गो को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और डोमेस्टिक भी इंटरनेशनल भी। अगर अभी तुम्हें शेड्यूल्ड कम्यूटर ऑपरेटर समझना है तो इसमें से इंटरनेशनल हटा देनी है, सारे रूट्स हटा देनी है, सम रूट्स लिख देनी है, तो वो बन जाएगा क्या, शेड्यूल्ड कम्यूटर। शेड्यूल कंप्यूटर कम्यूटर ऑपरेटर। मतलब वो रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, किसको, रीजनल कनेक्टिविटी को। मतलब जैसे तुम्हारा ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री है, तो शेड्यूल ऑपरेटर क्या करता था, इधर से इधर जाता था, ये कंट्री से दूसरा कंट्री तक चले जाता था, फिर ये कंट्री में भी जा सकता था। लेकिन ये शेड्यूल्ड कम्यूटर वाला ये एक ही कंट्री में रहेगा। जैसे मान लो तुम्हारी स्टेट में एक कैपिटल है, स्टेट कैपिटल में ही लगभग हमारा ज्यादा एयरपोर्ट्स है, हाँ कि नहीं, बाकी बहुत कम ऐसा एयरपोर्ट्स है, लेकिन है तो बहुत सारा एक स्टेट में, ये छोटा छोटा एयरपोर्ट्स है। उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम लाया गया 2015 में, वो स्कीम याद नहीं है, नेशनल एविएशन पॉलिसी ऐसे कुछ करके, उस स्कीम के थ्रू ये ऑपरेटर जनरेट हुआ, शेड्यूल्ड कम्यूटर ऑपरेटर। उड़ान नाम सुने हो, यस सर, विमान एंड उड़ान। हाँ, तो उस टाइप का ही सिम के थ्रू ये जनरेट हुआ शेड्यूल्ड कम्यूटर। किसको, रीजनल सिटीज को, लोकल सिटीज को कनेक्ट करने के लिए इस टाइप का शेड्यूल ऑपरेटर। इनका भी एक शेड्यूल रहता है, और ये भी कमर्शियल पर्पज के लिए काम करते हैं, पैसेंजर कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये रीजनल कनेक्टिविटी में कुछ रूट्स में ही चल सकता है। इनके लिए रूट्स क्या रहता है, लिमिटेड, लिमिटेड ठीक है। तो ये शेड्यूल्ड कम्यूटर ऑपरेटर, तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान दोगे तो शेड्यूल ऑपरेटर और शेड्यूल्ड कम्यूटर ऑपरेटर में ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क है खाली ये शेड्यूल ऑपरेटर इंटरनेशनली जाता है, ये खाली डोमेस्टिक में उड़ता है। इसको सारे रूट में लगभग परमिटेड है, इसको सारे रूट में परमिटेड नहीं है, ठीक है। ये पूरा इंटरनेशनल में, डोमेस्टिक में कहीं पे भी घूमता है, ये सिर्फ रीजनली कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है, समझ में आया। सर। अभी आते हैं तीसरा टाइप का ऑपरेटर, दैट इज
नॉन स्केड्यूल्ड, क्या है नॉन स्केड्यूल्ड? ये क्या है भाई? अभी एक एयरक्राफ्ट लेते हैं, एक एयरक्राफ्ट को तुम में से कोई है, मान लो आशीष है, उसने उस एयरक्राफ्ट को खरीद लिया है। क्या खरीद लिया है? खरीद लिया है। वो अपने घर से निकलता है, जब जॉब में जाता है उस एयरक्राफ्ट को वहां पे रख देता है, ठीक है, फिर जब जॉब से आता है तब यूज करता है, या कब मन किया तो एयरक्राफ्ट लेके गया, या कब नहीं लिया, या कब 6 महीने में 3 महीने में कब जरूरत पड़ा तो लेके गया। कोई शेड्यूल्ड नहीं है, कोई शेड्यूल्ड नहीं है, टाइम टेबल शेड्यूल नहीं है, शेड्यूल्ड नहीं है। वो अपने नेसेसरी के हिसाब से उसको यूज कर रहा है। किसके लिए? किसके लिए यूज कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इस टाइप का जो ऑपरेटर है वो एक्चुअली इस टाइप का ऑपरेटर को तुम क्या बोल सकते हो? नॉन शेड्यूल ऑपरेटर या ओनर बोल सकते हो। ओनर, ओनर की जगह नॉन शेड्यूल ऑपरेटर बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आया? क्या बोल रहे हो? जैसे स्टार्टर डेस्कटॉप अगर रहते हैं, वीआईपी डेस्कटॉप, हाँ, तो इस टाइप का ऑपरेटर को हम क्या बोलेंगे? अभी कहानी है, तुम पूरा सुनो पहले। ये पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है। किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए वो एयरक्राफ्ट को लेके आया है। ओके, अभी दूसरी बात क्या है, एक एयरक्राफ्ट है, उस एयरक्राफ्ट को किसी कंपनी ने खरीद लिया है, चार्टर्ड कंपनीज बोलते हैं उसको, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एयरक्राफ्ट खरीद लिया, मान लो ये 10 नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट खरीद लिया है, उसमें से 2 हेलीकॉप्टर है, 4 और कोई लियर जेट है, ऐसे अलग अलग टाइप का एयरक्राफ्ट है, प्राइवेट जेट है, ये कंपनी खरीद के रखा हुआ है। यहाँ पे बता देता हूं, इस कंपनी के पास कितना एयरक्राफ्ट है? 10 एयरक्राफ्ट है। तो मान लो कोई पर्सन गया, तुम गए उसको उस एयरक्राफ्ट को एक दिन के लिए मांगे, बोले तुम मेरे को यहां से यहां पहुंचानी है, पॉइंट ए से, ए सिटी से बी सिटी, फिर यहां से फिर लाके ए सिटी में फिर छोड़ देनी है। मतलब तुम्हारे इस एक तरीके से इसका एयरक्राफ्ट है, तुम इसको किस में ले रहे हो? रेंट में ले रहे हो एक तरीके से, पैसे दे दोगे। या कोई मंत्री है, वो बोला तेरा एयरक्राफ्ट मेरे को 10 डेज के लिए चाहिए, 15 डेज के लिए चाहिए, अभी इलेक्शन है मेरा, ऐसे बहुत सारी पर्पज के लिए। तुम किधर घूमना चाहते हो, या फिल्म शूटिंग करना चाहते हो, या खेती में तुम क्या करना चाहते हो, स्प्रे करना चाहते हो, मूवी शूटिंग करना चाहते हो, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे एरियल वर्क, एरियल वर्क ऑपरेशन। तो ये सारे शेड्यूल नहीं होता है, जब जरूरत पड़ेगा तब हम इस कंपनी के पास आएंगे, इसका एयरक्राफ्ट ले जाएंगे, हम अपना क्या करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का मजा लेंगे, या इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज करेंगे। कहीं पे फायर हुआ है, फायर एक्सटिंग्विश करना है, तो ये तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं हुआ, एरियल वर्क हुआ। ये कौन सा ऑपरेशन हुआ? एरियल वर्क हुआ, हाँ कि नहीं? या कोई इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज हुआ। तो जरूरी नहीं है कि ये जो कंपनी रखी है एयरक्राफ्ट खाली ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देने के लिए रखी हो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये किसी को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड दे या कोई स्पेशलाइज्ड सर्विस दे, क्या दे? स्पेशलाइज्ड सर्विस।
सर्विस दे, पैसा तो लेगा ना, तो इसको बोलेंगे कमर्शियल स्पेशलाइज्ड सर्विस के बदले मैं ऑपरेशन लिखूंगा, कमर्शियली स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन। तो कभी कभी तुम डाउट हो जाते हो, डीजीसी में क्वेश्चन आता है कमर्शियली स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन मतलब तुम उसको शेड्यूल ऑपरेटर समझ लेते हो, हाँ कि नहीं, होता है ऐसे? Yes, तो कमर्शियली स्पेशलाइज्ड सर्विस मतलब वो भी क्या है, किसके अंडर आता है? नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर के अंदर। तो कोई ओनर ने अपना प्राइवेट यूज के लिए खरीद लिया हो, वो कभी कभी यूज किया हो, नॉन शेड्यूल ऑपरेटर बनेगा वो। कोई चार्टर्ड कंपनी है, किसी को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस उनकी नेसेसरी के हिसाब से कभी कभी देती हो और पैसा लेती हो, तो वो भी क्या बनेगा? नॉन शेड्यूल ऑपरेटर। किसी ने एयरक्राफ्ट को खरीद रखा हो या कोई कंपनी का एयरक्राफ्ट को भाड़े में लाके इस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशिंग, इंडस्ट्रियल पर्पज, एग्रीकल्चर में या एरियल वर्क में, ऐसे बहुत सारी स्पेशलाइज्ड सर्विस में अगर यूज करता है स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस में, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर। मतलब शेड्यूल ऑपरेटर में भी कमर्शियली काम होता है और नॉन शेड्यूल ऑपरेटर में भी कमर्शियली काम होता है, होता है कि नहीं? अभी तक कोई डाउट है? तो अभी मैं तुमको कुछ पूछने वाला हूं, तब तक तैयार रहो, क्योंकि मैं कुछ भी शुरू करूंगा तो एक रूल से शुरू करूंगा, एंड दैट रूल इज, बोलो, एयरक्राफ्ट रूल 1937। तो हम कुछ भी शुरू करेंगे तो एक रूल से शुरू करेंगे, और वो रूल का नाम क्या है बताओ। अगर मैं तुमको नाम लिया शेड्यूल्ड ऑपरेटर, या मैंने तुमको नाम लिया शेड्यूल्ड कम्यूटर ऑपरेटर, या मैंने तुम्हें नाम लिया किस चीज का? नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर। तो तुम मेरे सामने कौन सा रूल रखोगे? जल्दी से आशीष बताओ, शेड्यूल ऑपरेटर बोलूंगा, तुम मान लो शेड्यूल ऑपरेटर बनना चाहते हो, जैसे शेड्यूल ऑपरेटर का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडिगो, एयर इंडिया या बहुत सारे ऐसे गो एयर, स्पाइस जेट वगैरह। तो इस ये अगर तुम अपना शेड्यूल एयरलाइन खोलना चाहते हो, शेड्यूल ऑपरेटर बनना चाहते हो, तो कौन सा रूल एप्लीकेबल है? 134, वेरी नाइस, 134 और रूल नंबर 134 ऑफ द एयरक्राफ्ट रूल्स 1937। ओके, ये क्वेश्चन प्रीवियस सीजन में आ चुका है। अभी आते हैं शेड्यूल्ड कम्यूटर, ये भी शेड्यूल्ड है ना, तो इसके लिए भी ये रूल एप्लीकेबल हो जाता है। ओके, अगर मैं बोलूं नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर मतलब 134A ऑफ द एयरक्राफ्ट रूल्स 1937। ओके, इतना तुम्हें जानना जरूरी है। ओके, एक्चुअली में जो ऑपरेटर बनते हैं ना, ये क्या बनते हैं? ऑपरेटर बनते हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स आई है सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स, जिसको तुम CAR बोलते हो, वो कितना सेक्शंस में डिवाइडेड है? ऐसे कितना सेक्शंस में डिवाइडेड है? 11 स्टार्टिंग डे में बताया था, भूल गए, 11 सेक्शंस में डिवाइडेड है। 11 सेक्शंस के लिए सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल है। तो हम सेक्शन 2 में एयरवर्थनेस मेंटेन कर रहे हैं, तो 145, 66 ऐसे बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे हैं। सेक्शन 1 में जनरल है, उसमें एक SMS करके आता है, वो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है, वो पढ़ लोगे। सेक्शन 3 में क्या है?
सेक्शन थ्री में ऑपरेटर कैसे बनते हैं, ए ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, उसके बारे में लिखा गया है। तो एक्चुअली सेक्शन थ्री का हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी हम पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि ये 10.4 चैप्टर तुम्हारा सिलेबस में है, तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? कि खाली ये पता कर ले कि शेड्यूल ऑपरेटर क्या है, नॉन शेड्यूल ऑपरेटर क्या है, शेड्यूल्ड कम्यूटर ऑपरेटर क्या है, उतना जान लिए तो हो गया। लेवल वन में है ये चैप्टर तुम्हारा, मतलब वेरी लाइटली पढ़ना है, ठीक है? पूरा बड़ा पैक बना के नहीं पीना है, बहुत लाइटली जाना है। लेकिन हमको ये भी पता करना है कि शेड्यूल ऑपरेटर बनते कैसे हैं, नॉन शेड्यूल ऑपरेटर बनते कैसे हैं, शेड्यूल्ड कम्यूटर ऑपरेटर कैसे बनते हैं। रूल तो एप्लीकेबल हो गया, इस रूल के अनुसार इसको एप्लीकेबल अप्रूव कर देगा डीजीसीए, लेकिन ऐसे वो कौन सा रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा तो वो बनेगा ऑपरेटर। सीधा आंसर दो, मैं मार्क कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन अच्छे से समझो, मैं पूछ रहा हूँ वो कौन सा रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा तो वो बनेगा शेड्यूल ऑपरेटर। जैसे मैं हिंट दूं, तुम कौन सा हाँ सेक्शन 3 का, हाँ जो भी एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट है सेक्शन 3 में, सेक्शन 3 का पूरा रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें शेड्यूल आएगा, नॉन शेड्यूल आएगा, सब आएंगे, हाँ कि नहीं? तो सेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा तो वो ऑपरेटर बन जाएगा, है ना? तो हम सेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे नहीं, हमारे पास एक अलग चीज है, बढ़िया सा चीज, वो हम पढ़ेंगे और वो इसी में से डीजीसी क्वेश्चन पूछता है। उसका नाम है, अगर तुम्हें शेड्यूल ऑपरेटर बनना है तो तुम्हें रूल याद रखना है। मैं रूल को जनरली ऐसे लिखता हूं, तो शेड्यूल ऑपरेटर बनना है तो तुम्हें फुलफिल करना है K3100 सिविल एविएशन प्रोसीजर 3100 का पीडीएफ है। ये रिक्वायरमेंट को अगर तुमने पढ़ लिया, तुमने कंप्लाई कर लिया, डीजीसीए तुमको क्या दे देती है, शेड्यूल ऑपरेटर का अप्रूवल दे देती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम शेड्यूल ऑपरेटर बन गया बोल के क्या प्रूफ है? तुम शेड्यूल ऑपरेटर हो बोल के तुम 10th पास किया है, क्या प्रूफ है? सर्टिफिकेट या मार्कशीट होगा, सेम थिंग। तुमने ऑपरेटर बन गया बोल के, तुमको अप्रूवल दिया बोल के क्या प्रूफ है? तुम्हारे को एक एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिलेगा, किसके द्वारा? डीजीसीए के द्वारा। ओके, सेम थिंग, शेड्यूल ऑपरेटर हो या शेड्यूल कम्यूटर ऑपरेटर हो, 134 लागू होगा। 134 ए किसके लिए लागू होता है? नॉन शेड्यूल ऑपरेटर के लिए लागू होता है। तो वो कौन सा कैप को फुलफिल करेगा? वो कैप 3300 उसको फुलफिल करेगा। क्या बनने के लिए? नॉन शेड्यूल ऑपरेटर बनने के लिए और शेड्यूल्ड कम्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए। यहाँ पे एक चीज याद रखना है, तुम नॉन शेड्यूल ऑपरेटर बनो या शेड्यूल्ड कम्यूटर ऑपरेटर बनो तो कैप 3300 को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी तुम्हें क्या मिलेगा, एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट या उसको बोलते हैं एयर ऑपरेटर परमिट, एयर ऑपरेटर परमिट, ठीक है? तो एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट या एयर ऑपरेटर परमिट तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? अगर इस कैप का रिक्वायरमेंट्स को तुमने कंप्लाई किया तो। अभी इसके अलावा भी कुछ कैप है, क्या होता है हमेशा ये जो एयरक्राफ्ट है, क्या है ये जो एयरक्राफ्ट है, जरूरी नहीं है कि हम मैन्युफैक्चरर से खरीद के लेके आए, हम किसी से क्या कर सकते हैं, लीज पे भी लेके आ सकते हैं। जैसे इंडिगो का बहुत सारे एयरक्राफ्ट
कोई जापानीज कंपनी का लीज से, जापानीज कंपनी से लीज से लाया है, मैंने ऐसे सुना हूं, जो भी है लीज से लाया है। तो जब लीज में कोई एयरक्राफ्ट लाते हो तो लीजिंग होता है, तो उसके लिए K3200 का प्रोसीजर को फॉलो करो। तो तुम्हें पूछा जाएगा डीजीसी में कि एयरक्राफ्ट लीजिंग प्रोसीजर्स आर गिवन इन विच कैप, विच डॉक्यूमेंट, तो तुम क्या बोलोगे? अगर K3200 मैं पूछूंगा एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट लेना है, शेड्यूल ऑपरेटर बनना है, तो तुम्हें कौन सा रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है? अगर मैं पूछूंगा शेड्यूल्ड कम्यूटर ऑपरेटर बनना है तो, या नॉन शेड्यूल ऑपरेटर बनना है, तो कौन सा कैप को फुलफिल करना है? ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया कैप 3100, 3200, 3300। हाँ कि नहीं? इसके अलावा भी और एक कैप है जो एग्जाम में जनरली पूछ देता है। वो पूछता है कैप 3400 क्या है? तो जनरली तुम अगर हेलीकॉप्टर का ऑपरेटर बनना चाहते हो, किसका ऑपरेटर बनना चाहते हो? हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर का ऑपरेटर बनना चाहते हो, तो उस केस में तुम किसको फॉलो करोगे? थ्री 3400 सही है। फोर डबल हेलीकॉप्टर शेड्यूल और अनशेड्यूल दोनों ऐसा। हाँ, नॉन शेड्यूल होगा ज्यादातर, ठीक है, नॉन शेड्यूल होगा। एक बार चेक कर लेना, मैं डाटा दे दूंगा, बुक निकालूंगा तो देख लेंगे। हर चीज याद रखना आसान नहीं होता है ना भाई। तो अभी के लिए याद रखो, हेलीकॉप्टर्स के लिए नॉन शेड्यूल ऑपरेटर ही है शायद, चेक कर लेंगे, ठीक है, मैं बता दूंगा कल। तो यहाँ पे हम कितना कैप पड़े? चार चार कैप पड़े। तो ये चारों कैप को पढ़ना आसान नहीं है, 200 या 300 पेजेस की एक एक कैप है, तो सब में सिमिलरिटी है। तुम्हें कैप 3200 सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इतना है कि कैप 3200 क्या है वो याद रखना है। कैप 3400 भी सिलेबस में नहीं है, क्या है वो याद रखना है। और बाकी रहा कैप 3100 या 3300, दोनों में पूरा आइडेंटिकल लिखा गया है। तुम इसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ लिए तो इसको भी समझ जाओगे, इसको पढ़ लिए तो इसको भी समझ जाओगे। तो हम पढ़ेंगे कैप 3100 या 3300, कोई भी एक, इसको या इसको। तो बेहतर है, एक शेड्यूल ऑपरेटर नॉन शेड्यूल ऑपरेटर से ज्यादा रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, बहुत बड़ा होता है ना, तो हम सर कैप 3100 को पढ़ेंगे। तो एक बार 3100 को पढ़ लोगे, मैं समझा दूंगा, तो उसके बाद तुम 3300 से रिवाइज कर लेना, और 3200 को और 3400 को जस्ट याद रखना है। समझ में आया? सर तो हम आज चलते हैं कैप 3100 में। अभी तक कोई ऑपरेटर वगैरह रूल्स में कोई डाउट है? नहीं सर। ये सी कैप का फुल फॉर्म क्या है सर? सिविल एविएशन प्रोसीजर्स। ओके, ये तुम देख रहे हो, किस कैप देख रहे हो? 3100 3100, ये एक्चुअली क्या बोलते हैं, कैप 3100 को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेशन मैनुअल, क्योंकि एओसी इस मैनुअल को फॉलो करके लिया जाता है। इस मैनुअल को ही नहीं, बहुत सारा सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल किया जाता है, लेकिन मेनली इस मैनुअल को फुलफिल किया जाता है एओसी पाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए कैप 3100 क्या 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 है पूछा गया, तो तुम बताओगे एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेशन मैनुअल फॉर विच टाइप ऑफ ऑपरेटर। शेड्यूल ऑपरेटर। शेड्यूल्ड ऑपरेटर, ओके। तो मैंने इसमें लगभग तुमको समझा दिया हूं बहुत सारी चीजें जो फॉरवर्ड में दिया है, फिर भी पढ़ूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे चार चैप्टर है, चैप्टर वन इंट्रोडक्शन, चैप्टर टू बैकग्राउंड, चैप्टर थ्री इनिशियल इशू ऑफ एन एओसी। ये तीन चैप्टर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। इसके अलावा और एक चैप्टर है सर्टिफिकेशन प्रोसेस, वो एक्चुअली डीजीसीए का लिए है, तो वो चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम ये तीन चैप्टर अगर पढ़ लिए सही तरीके से, तो
तो ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम आराम से मार देंगे, समझ रहे हो? तो हम चैप्टर नंबर सीधा वन में जाएंगे, तो चलो चैप्टर नंबर वन में जाने से पहले कुछ फॉरवर्ड दिया गया यहाँ पे, ये सब उसका रिकॉर्ड ऑफ रिवीजन है कि कौन सा डेट में क्या रिकॉर्ड आया है, ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म मिलेगा तुम्हें, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स तुम्हें उसे याद रखना है। यहाँ पे दिया है देखो, AFM मतलब फुल फॉर्म क्या है, फ्लाइट मैनुअल है, AIC स्टैंड्स फॉर एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्कुलर, ये सब एक बार रीड मारना है तुम्हें, मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा। उसके बाद सीधा चैप्टर वन में इंट्रोडक्शन, मतलब इस डॉक्यूमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन, जो भी इंट्रोडक्शन है मैं तुमको समझा चुका हूं, अभी वही पढ़ूंगा तो बहुत आसान लगेगा। यहाँ पे वो बोल रहा है नो पर्सन शैल ऑपरेट एन एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, देखो एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस टू फ्रॉम विद इन इंडिया विदाउट परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बिना कोई भी एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस चला नहीं सकता है। कौन सा एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात कर रहा है, शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस के, याद रखना, क्योंकि ये मैनुअल पूरा शेड्यूल के लिए ही एप्लीकेबल है। तो ये कौन सा रूल बताता है कि तुम बिना अप्रूवल की शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस इंडिया में या इंडिया को विद इन इंडिया चला नहीं सकते हो, इंडियन एयर स्पेस में तो चालू नहीं कर सकते हो, चालू करना है तो तुम्हें कौन सा रूल फॉलो करना है, 134 वही बात ये घुमा फिरा के बता रहे। तो तुम्हें अभी तो चालू नहीं कर सकते हो क्योंकि रूल नंबर 134 बोला, तो रूल नंबर 134 ही बोल रहा है तुम्हें क्या लेना है, किधर से लेना है, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट से लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट किसको रखा है, DGCA को रखा है, डेलीगेट किया है, तो DGCA को पावर दिया है कि तुम्हें परमिशन दे दे आजे क्या ऑपरेटर एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस चालू करने के लिए, और परमिट दे दिया बोल के कैसे पता चलेगा, जब DGCA तुमको क्या देगा, AOC देगा, ठीक है, AOC देगा, ठीक है, इतना समझ गए, इतना ही समझो। उसके बाद AOC किसके लिए देगा, तुम शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाओगे पैसेंजर्स के लिए या शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाओगे किसके लिए, कार्गो के लिए, तो दोनों टाइप का दे सकता है, दोनों में से कई एक के लिए दे सकता है, वो डिपेंड करता है तुम क्या चाहते हो। और दूसरी बात, हमारा एक इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, पता है ICAO, याद है, पढ़ाया था, तो जब भी किसी को AOC इशू किया जाता है तो जो एनेक्सर 6 में जनरली ऑपरेटर बनने के लिए एनेक्सर 6 पार्ट 1 में स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट्स वगैरह प्रोविजंस लिखा गया है, उसको भी कंप्लायंस किया जाए, ठीक है, लेकिन हम एनेक्सर 6 में नहीं जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, हम इस KF3100 को ही पढ़ेंगे। तो एप्लीकेबल रूल्स क्या है तो वो तुम्हें पता चल गया, ठीक है, yes. 134 इसमें और कुछ समझने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं, कोई भी शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर चलाएगा, सर्विसेज देगा, तो वो कुछ और रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करता है, कौन सा रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, सेक्शन 3 सीरीज सी पार्ट 2 किसके लिए, अगर वो पैसेंजर शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस देना चाहते हो तो पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अगर वो कार्गो को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, सेक्शन 3 सीरीज सी पार्ट 4 रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। तुम्हें सिर्फ याद रखना है, हमें इसमें जाना नहीं, ठीक है, इसको याद रखना है। अभी आते हैं क्या पर्पज है AOC का, एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट देने का क्या पर्पज है। अभी मैं पूछूं कि तुम्हारे को जो 10th सर्टिफिकेट मिल रहा था उसका क्या पर्पज है, तो तुम क्या बताओगे, थोड़ा बताओ,
कहीं पे जॉब कर सकते हो, आगे हायर स्टडीज कर सको, और क्या पर्पज है? एविडेंस, किस चीज के लिए एविडेंस? वो पर्पज है, वो तो किस चीज के लिए एविडेंस? अबे यार, तुम्हारा सर्टिफिकेट का पर्पस तुम्हें नहीं पता है? हायर स्टडी करोगे, जॉब करोगे, या कहीं पे कुछ तुम्हारी क्वालिफिकेशन बोल के प्रूफ दिखाओगे, या कुछ भी, बहुत सारा, अभी याद नहीं आ रहा है, जाने दो। तो यहाँ पे एओसी देने का पर्पज क्या है? एओसी देने का पर्पज ये है कि डीजीसीए बोल रहा है कि इसको मैं सर्टिफाई किया हूं एज ए कमर्शियल ए ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर बोल के। किसके द्वारा? डीजीसीए द्वारा, हाँ कि नहीं? और पर्पज क्या है? ये एओसी देने का पर्पज ये है कि वो सही तरीके से कंडक्ट करेगा। कैसे कंडक्ट करेगा? क्योंकि मेरे से एओसी ये लिया है, तो ये कमिटमेंट भी मेरे को देख दिया होगा, तभी मैं एओसी दूंगा ना। क्या कमिटमेंट दिया होगा? कि मेरे सारे के सारे रेगुलेशंस रूल्स को ये कंप्लाई करके अपना ए ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाएगा। ये पर्पज है एओसी देने का। क्या है एओसी देने का? पहला पर्पज है कि उसको माना जाएगा कमर्शियल ए ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर या शेड्यूल ए ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। दूसरा पर्पज है कि वो अपना रेगुलेशंस को फुलफिल करके, कंप्लाई करके अपना ऑपरेशंस चला सके। ओके, अभी ये जो एओसी मिलता है ना, ये टू पार्ट्स में मिलता है, मतलब एक ही सर्टिफिकेट है, ठीक है, एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट, लेकिन इसमें दो पार्ट रहता है। पहला पार्ट में एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट इटसेल्फ, मतलब एओसी खुद रहता है, मतलब तुम्हारा नाम लिख दिया, तुमको ऑपरेटर बोल के लिख दिया, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा पार्ट में क्या रहता है? द एसोसिएटेड ऑपरेशन स्पेसिफिकेशंस। देखो, हमारी इंडिया में हो या कहीं पे भी हो, तुम एयरक्राफ्ट का एक इंजन बंद पड़ गया तो दूसरे एक इंजन के सहारे कितना दूर उड़ सकते हो सक्सेसफुली, तुम सेफली, तुम नियरेस्ट एयरपोर्ट में लैंड कर सकते हो। उसके लिए एक ऑपरेशन है, एटॉप्स या एडीटीओ, एक्सटेंडेड डायवर्सन टाइम ऑपरेशन बोलते हैं, या और क्या बताऊं, एक आरबीएसएम करके है, तुम फ्लाइट लेवल 290 या 29,000 फीट से ऊपर चला गया या 29,000 फीट में चला गया, तो ऐसे तो जा नहीं सकता। अगर जा रहा है तो वो एक अलग टाइप का स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस बोला जाएगा। उस तरीके का ही एमएनपीएस, एलवीओ, आरएनपी, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इनके बारे में। तो इनको क्या बोलते हैं? स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस करता है वो एयरक्राफ्ट, तो वो एयरक्राफ्ट उसके लिए बना होना चाहिए, तभी करेगा, और तब करेगा तो डीजीसी से भी परमिशन लेगा ना। तो वो सबको क्या बोलते हैं? हम ऑपरेशन स्पेसिफिकेशन। तो जब इसको एओसी मिलेगा तो ऑपरेशन स्पेसिफिकेशंस भी इसकी किस में लिखा जाएगा? एओसी में ही लिखा जाएगा। लेकिन एओसी में किस में? सेकेंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में सर्टिफिकेट रहेगा, सेकेंड पार्ट में ऑपरेशन स्पेशल। तो मैं तुम्हें कभी भी पूछूं एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट को कितने पार्ट में डिवाइड करके मिलता है, तो कितने पार्ट में डिवाइड करके मिलता है? टू पार्ट्स। वन एओसी इटसेल्फ, दूसरा एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट स्पेसिफिकेशंस, एसोसिएटेड एयर ऑपरेशन स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। तुम जो जो एयर ऑपरेशन स्पेसिफिकेशंस करना चाहता है वो ऑपरेशन स्पेसिफिकेशन तुम्हें मिलेगा। और दूसरी बात, यहाँ पे इंट्रोडक्शन चैप्टर है ना, ये क्या है? इंट्रोडक्शन चैप्टर है ना, तो इंट्रोडक्शन चैप्टर है तो सब इंट्रोडक्शन चीजें ही दिया गया है। तो डीजीसीए यहाँ तुम्हारी एओसी कभी भी सस्पेंड या कैंसिल कर सकता है। क्यों करेगा? तुमने उसकी कंडीशंस को माना नहीं होगा तो, हाँ कि नहीं? मेंटेन नहीं करोगे तो, रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाइन नहीं करोगे तो। और तुम्हें एओसी इशू करने से पहले डीजीसीए नीड्स टू बी सैटिस्फाइड, डीजीसीए को तुम्हें सैटिस्फाई करना है। क्या सैटिस्फाई करना है? कि तुम्हें एक सही ऑपरेटर बनोगे बोल के, ठीक है।
और इस केप में, इस मैनुअल में जो भी लिखा है उसको सही तरीके से कंप्लाई करोगे बोल के। तो डीजीसीए को ऐसे तुमने कौन सी चीजें प्रूफ करके कंप्लाई करके दिखाओगे तो डीजीसीए तुम्हें कंफर्मली क्या बनाएगा? एयर ऑपरेटर बनाएगा, शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर बनाएगा। वो यहाँ पे एक शॉर्टली दिया गया है जिसको आगे हम ब्रॉडली पढ़ेंगे। तो तुम्हारे पास एक एयरक्राफ्ट है आंगी नहीं, सबसे पहले तो तुम्हारे पास एक एयरक्राफ्ट होना चाहिए ना ऑपरेटर बनने के लिए। तो यस वो जो एयरक्राफ्ट है वो अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स को मान के एयरवर्दनेस कंडीशंस में ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करते हुए एयरवर्दनेस स्टैंडर्ड्स में रह रहा है कि नहीं, उसमें सारे मैंडेटरी आइटम्स फिट है कि नहीं, जैसे कम्युनिकेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, सर्वेलेंस के लिए, सेफ्टी एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट, ये सारी चीजें फिट है कि नहीं, और वो एयरवर्दी कंडीशन में है कि नहीं, और वो सेफ सिक्योर एंड एफिशिएंट एंड रेगुलर ऑपरेशन जो प्रपोज कर रहे हो वो कर पाएगा कि नहीं। कर सकता है तो तुम्हें क्या मिलेगा? एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिल सकता है। समझ में आया? यस और दूसरा क्या है, ऑपरेटर जो बनना जा रहा है वो ये प्रोवाइड करके प्रूफ कर दिया कि मैं एयरक्राफ्ट को सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस सफिशिएंट दूंगा, इफेक्टिव मेंटेनेंस कंट्रोल सिस्टम बनाऊंगा, तो एयरक्राफ्ट हमेशा एयरवर्दी कंडीशन में रहेगा। वो अगर तुमने डीजीसीए को भरोसा दिला दिया तो। और क्या है, ऑपरेटर हैज प्रोवाइडेड इफेक्टिव मीन्स ऑफ ऑपरेशंस कंट्रोल। ये तो मेंटेनेंस कंट्रोल की बात किया, अभी तुम जो ऑपरेशंस करोगे तुम्हारे लिए एक शेड्यूल होगा, सही टाइम पे ठीक से रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करते हुए विदाउट ब्रेकडाउन तुम सही तरीके से फ्लाइंट को डिस्पैच करो, फंक्शन करो, ठीक है, ये सारी चीजें ऑपरेशंस कर पाते हो तो डीजीसी तुम्हें एओसी देगा, देगा कि नहीं? और क्या करोगे, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उस टाइप का बनाओगे कि ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स बनाओगे, ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ्स को लाके रखोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज दोगे, एरिया ऑफ ऑपरेशंस जो प्रपोज कर रहे हो वो दिखाओगे, मेंटेनेंस एसोसिएटेड एरियाज, ये सारी चीजें डीजीसी को प्रूफ करके दिखा दोगे, और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में डेजिग्नेटेड पोस्ट होल्डर्स को लाके अपॉइंट करोगे जो कि डीजीसीए को एक्सेप्टेबल हो, जिनको डीजीसीए अप्रूव कर दे, तो डीजीसीए तुमको क्या देगा? एओसी देगा। जो भी प्रोसीजर है, टेक्निक है वगैरह है उसको फुलफिल करोगे तो तुम्हें डीजीसीए क्या देगा? एओसी देगा। फ्लाइट क्रू, केबिन क्रू तुम्हें लाना है। देखो मैं थोड़ा डीपली नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये सब चीजों को आगे डीपली पढ़ोगे, ठीक है, आगे डीपली पढ़ोगे। और लोगों को ट्रेनिंग कैसे देना है, प्रोग्रामिंग चेकिंग कैसे करना है, ये ट्रेनिंग वाला बात याद रखो। वो तुम अगर बना देते हो तो प्रूफ करके दिखा देते हो कि हमारी क्या है, लोगों को ट्रेनिंग सही टाइम पे दिया जाएगा बोल के। और क्या है, टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर अप्रूव्ड फॉर प्रपोज्ड ऑपरेशंस। डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन जो प्रपोज किए हो और तुम्हारे पास जो डिफरेंट टाइप का एयरक्राफ्ट है वो सफिशियंट नंबर में है और सही तरीके से ऑपरेशन कर सकते हैं बोल के, तो एओसी देगा। सारे फैसिलिटीज तुम अगर प्रोवाइड कर देते हो तो, ठीक है, सारे एक्चुअल लाइबिलिटीज को, ठीक है, तुम अगर फुलफिल करते हो तो, ठीक है। और क्या है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं एयरक्राफ्ट की। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम अगर सही तरीके से एस्टेब्लिश कर देते हो, उसका डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से तुम क्या कर देते हो, टीजीसी को बना के दिखा देते हो, तो ऐसे सारी चीजें। कितना है टोटल पॉइंट्स? 23 पॉइंट्स इंट्रोडक्शन में बताया गया, पढ़ना, कोई डाउट आया तो बताऊंगा। तुम अगर डेंजरियस गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे तो डेंजरियस गुड्स से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके तुम डीजीसीए को बता दे रहे हो, सही तरीके से हम कंप्लाई करेंगे डेंजरियस गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो तुम्हें देगा। तुम्हारी एमईएल सीडीएल इस टाइप का चीजें अगर सही तरीके से बन जाता है तो
तो ये इंट्रोडक्शन है, टेंशन मत लो, कोई चीज समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, ठीक है। तभी तुम्हें एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट और उसके साथ जो एसोसिएटेड एयर ऑपरेट ऑपरेशन स्पेसिफिकेशन है वो तुम्हें मिल जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ डीजीसीए, हाँ कि नहीं। तो तुम्हें एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट देने के लिए तुम्हें अपेंडिक्स ए में जाना पड़ेगा, उस एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट के लिए जो एप्लीकेशन है उसका फॉर्मेट दिखाया गया वो एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, ओके। तो ऑपरेटर रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करने में फेल हो जाता है, डीजीसीए कभी भी तुम्हारा एओसी क्या कर सकता है, सस्पेंस, रिवोकेशन, कैंसिल कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो इतना चीजें ही आज पढ़ो, कल हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे बैकग्राउंड, कल असली चीज पढ़ेंगे एक्चुअली में हम एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, कितना फेज में डिवाइड किया गया है, कौन सा फेज में क्या किया जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट लेने के लिए देर इज ए सर्टिफिकेशन प्रोसेस, और इस सर्टिफिकेट सर्टिफिकेशन प्रोसेस को डीजीसीए ने 5 फेजेस में डिवाइड किया है, कितना फेजेस में डिवाइड किया है, 5 फेजेस। इस 5 फेजेस के बारे में हम कल पढ़ेंगे, आज जो हमने पढ़ा उसके बारे में कोई डाउट है? हेलो, ठीक है, तो डाउट नहीं है, एक डाउट था सर, बोलो। पिछले 145 से डाउट, बोलो सर, ये है the persons which are responsible to the accountable manager, ठीक है ना, the person or the persons nominated shall represent the maintenance management structure of the organization and be responsible for all functions specified in this CR. इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि जो CR 145 में जितना भी रिक्वायरमेंट लिखा है उसके हिसाब से तुम मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगा, और वो चलाने के लिए कैसे चलाएगा उसके लिए तुम्हें एक मेंटेनेंस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, एक प्लान रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटल मैनेजर और सीईओ सबके सामने। चलो, और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, नहीं है तो आज का डाउट क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। चलो, थैंक यू सर।